हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओमेगा शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर पासेस थ्रू इट, राइट? देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमेमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमेमीटर में बदल रहे हैं टू रीड करंट्स अप टू 5 एम्पीयर। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 ओम का दे रखा है, और यहां पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है जब करंट हमारी कितनी जा रही है, 1 एम्पीयर की। अब करंट हमारी कितनी यहां पर हो जाएगी, 5 एम्पीयर की। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यहां पर हमें अगर गैल्वेनोमीटर को, इफ यू हैड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एमेमीटर, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमेमीटर बनाना है, यहां पर एमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट वी विल अप्लाई अ लोअर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम क्या करते हैं, दैट वी अप्लाई लोअर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम एक लोअर रेजिस्टेंस को लगाते हैं पैरेलल में, राइट? अब ये लो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर दिस लो रेजिस्टेंस इज शंट, यहाँ पर हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय कंडीशन क्या बनती है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक शंट लगा दिया, एस शंट लगा दिया यहाँ पर, और ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से करंट हमारी जा रही थी आई करंट, यहाँ से जा रही थी, यहाँ पर जाएगी आई जी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई माइनस आई जी करंट इस तरफ जाएगी। और यह इन दोनों पॉइंट्स पर, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ए पॉइंट, यहाँ पर इसको बी मान लें, हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल हमारा सेम है, सो हमारी वैल्यू बन जाएगी आई जी इंटू जी वन इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, राइट? सो हमारी वैल्यू बन जाएगी एस इज इक्वल टू यहां से आई जी जी वन डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, ये हमारी वैल्यू यहां पर बन जाती है एस की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर अगर वैल्यू रखे उठा के, सो एस इज इक्वल टू आई जी इज आई जी इंटू जी वन इज वन, राइट, डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, यानी कि 5 एम्पियर से 1 एम्पियर घटाइए तो 5 से 1 घटा दिया, और यहाँ पर जो जी वो है वो कितना है हमारा, 60 ओमेगा है, ठीक है? गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस वो 60 है, 60 कर दिया यहाँ पर उठा के, सो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 60, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 ओमेगा, यानी कि जो हमारा शंट, यानी कि जो लो रेजिस्टेंस लगेगा, दैट शुड बी ऑफ 15 ओमेगा, और ये लग कहाँ रहा है, दिट इज अप्लाइंग इन पैरेलल। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप सारे आंसर देखें, सो पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 240 गलत है, यहाँ पर 15 कहा है लेकिन इन्होंने सीरीज में कह दिया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर भी सीरीज शब्द का गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, दैट पुटिंग इन पैरेलल अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओमेगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।